फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डायग्राम से शुरू करेंगे। हाँ, आरएनए है और ये जो साइड में है वो सब प्रोटीन है। वो कहाँ है? तो अभी को मुझे एक वायरस। हाँ, तो इस वायरस को क्या किया गया, एक लीफ में, तवे को लीफ में इंजेक्ट किया गया, तो देखा इन्फेक्शन कॉज हुआ। फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, इन आरएनए और प्रोटीन्स को सेपरेट किया। फिर सेपरेट करके पहले प्रोटीन को इंजेक्ट किया लीफ में, तो देखा इन्फेक्शन नहीं हुआ। फिर आरएनए को इंजेक्ट किया लीफ में, तो देखा इन्फेक्शन हुआ। फिर इन लोगों को क्या किया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, एक नया टेक्निक से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया आरएनए और प्रोटीन्स को। फिर क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, तो देखा इन्फेक्शन हुआ। मैं जब आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रोटीन्स फॉर RNA as the genetic material of some viruses. The demonstration that RNA is the genetic material in RNA containing viruses came in 1956 when A. Gerer and G. Schramm showed that tobacco plants could be inoculated with purified RNA from the tobacco mosaic virus, and tobacco mosaic virus like lesions could later be identified on the tobacco leaves. तो ये कुछ समझ में लायक है नहीं, बस ये एक इंट्रोडक्शन हिसाब में आप दे सकते हो। फिर ये मेन टेक्निक इधर है, मतलब सॉरी मेन एक्सपेरिमेंट। ए डिफरेंट अप्रोच वॉज टेकन बाय एच फ्रेंकल कॉन्राड एंड बी सिंगर इन देयर एक्सपेरिमेंट पब्लिश इन 1957। दे फर्स्ट डेवलप द टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग टोबेको मोजेक वायरस पार्टिकल्स इन टू आर एन ए एंड प्रोटीन्स। मैंने पहले ही बताया था कि आर एन ए और प्रोटीन्स को क्या किया, टोबेको मोजेक वायरस जो था उसको सेपरेट किया आर एन ए और प्रोटीन्स में। फिर क्या किया, लेटर बाई यूजिंग आर एन ए एंड प्रोटीन सेपरेटली इन टेस्ट फॉर इन्फेक्टिविटी। तो इन दोनों को इन्फेक्ट करने के इन्फेक्टिविटी टेस्ट किया गया। पहले प्रोटीन को क्या किया था, इन्फेक्शन करने को दिया था लीव में, तो देखा कि इन्फेक्शन नहीं हुआ था। और आरएनए को इन्फेक्शन करने को दिया था, देखा कि आरएनए में आरएनए ने क्या किया, लीव्स को इन्फेक्शन किया था। रुकिए मैं दिखाती हूँ अभी डायग्राम में, देखिए पहले आरएनए को दिया गया, आरएनए कॉज नहीं किया इन्फेक्शन पर, सॉरी इन प्रोटीन ने कॉज नहीं किया। फिर आरएनए को दिया गया तो देखा कि आरएनए ने कॉज किया इन्फेक्शन। देन टेक्निक्स फॉर फॉर्मिंग reconstituted viruses containing the protein from one mutant strain of tobacco mosaic virus and RNA from another or vice versa. Such viruses were allowed to infect tobacco leaves. तो इनको reconstitute किया गया, फिर tobacco leaves में infect किया गया, and progeny were examined. तो जब progeny को examine किया गया reconstitute के बाद, तो देखा कि इन ऑल द केसेस द प्रोजेनी वेयर द पेरेंटल आरएनए टाइप एंड नॉट प्रोटीन, मतलब पेरेंटल प्रोटीन टाइप। तो इसे ही साबित हो गया कि आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो कंक्लूजन, वी कंक्लूडेड दैट द न्यूक्लिक एसिड आरएनए कंट्रोल्स द हेरिडिटरी ऑफ द वायरस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द वायरल डिजीज। द प्रोटीन पार्ट ऑफ द टोबैको मोजेक वायरस इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। इससे ही साबित हो गया कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डिस्क्रिप्शन मतलब थ्योरी था। तो आपको अगर समझ में आ गया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए।